नारद जी की ताजा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। किसी भी शिक्षा में परीक्षा का होना अनिवार्य होता है और विद्यार्थी जीवन के शुरुआती दौर में ये और भी प्रभावी होता है क्योंकि व्यक्ति यहीं से सीखता है। आपको बता दें 2010 से 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में खत्म कर दी गई थी। 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इन राज्यों में प्रस्ताव भी भेजा गया था। 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद 5वीं 8वीं की परीक्षा को परीक्षा नहीं बल्कि मूल्यांकन कहा जाने लगा था। इसी प्रक्रिया को खत्म करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को 5वीं और 8वीं की परीक्षा को बोर्ड परीक्षा घोषित करने के लिए आवेदनकर्ता मनराखन लाल निषाद ने आज प्रेस वार्ता करते हुए 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं को बोर्ड कराने हेतु शासन से अपील की है। आपको बता दें ये लंबे समय से इस प्रयास में लगे हुए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए आवेदक ने बताया कि बच्चों में गुणवत्ता और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए परीक्षाओं में फेल पास करने की नीति होनी चाहिए और इसके लिए परीक्षा का होना अनिवार्य है। यदि शिक्षा में परीक्षा नहीं हुई तो बच्चों में ज्ञान का स्तर आका नहीं जा सकेगा। गुणवत्ता परीक्षा के लिए शिक्षा के लिए परीक्षा लागू होना अति अनिवार्य है। यदि परीक्षा नहीं होगा तो बच्चों का जीवन अंत हो जाएगा। जैसे नाव को पतवार नहीं, गाड़ी को ब्रेक नहीं, मिट्टी को ताव नहीं, तो उसका जो अंत होना परीक्षा के लिए आधार चाहिए। परीक्षा जो है शिक्षा का आधार है। यदि शिक्षा में परीक्षा नहीं होगा तो बच्चे मिट्टी का लोंदा बन जाएंगे, शिक्षा का अंत हो जाएगा। किसी भी वस्तु को रखने के लिए आधार चाहिए, तो आधार जो है वो परीक्षा है। तो परीक्षा लागू हो, हर क्लास में परीक्षा लागू हो। 33% वाले जो है दो विषय में यदि आता है तो उसको सप्लीमेंट किया जाए, 2 से 3 में हो जाता है तो उसको फेल किया जाए। फेल पास लागू होगा तभी हम गुणवत्ता युक्त शिक्षा को ला सकते हैं। तो शासन से, अपना स्टेट से और केंद्र से, सभी और मंत्रियों से, सभी लोगों से मेरी अपेक्षा है कि परीक्षा लागू करके बच्चों के जीवन को अच्छा होने के लिए आप प्रेरित करें। खबरची न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश यादव के साथ ममता मानकर की रिपोर्ट। नारायण नारायण।